नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम सांची। सांची में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सांची में होने वाले उपचुनाव के लिए एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रभु राम चौधरी के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि एक तरफ कमलनाथ दिग्विजय सिंह की जोड़ी है तो दूसरी तरफ शिव ज्योति की जोड़ी है, इसमें से आपको कौन सी जोड़ी को चुनना है, मेरे प्रभु डॉक्टर राम को अपना अमूल्य वोट प्रदान करें। कमलनाथ जी कहां से आ गए? सही है कि नहीं? सही है। सही है। कमलनाथ जी की ताली बड़ी। मैंने सोचा था बड़े उद्योगपति हैं भैया, कलकत्ता से आए उद्योग लाएंगे, निवेश करेंगे इन बच्चियों का भविष्य बनाने के लिए। उद्योग तो 15 महीने में मध्य प्रदेश में नहीं लगे, लेकिन नया उद्योग शुरू कर दिया मध्य प्रदेश में, ट्रांसफर उद्योग। तालियां थोड़ी कम बजी। खुदा ना करे अगर किसी के घर में कोई बीमार हो गया। वो भी लगती थी जब बल्लभ भवन जाते हो, इस तरफ से उठती थी आवाज 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख। अरे एक एसपी का तो एक हफ्ते के अंदर 4 जगह ट्रांसफर हो गया। मेरे भाई और बहनों, ट्रांसफर और जोड़ लगाया इन्होंने मध्य प्रदेश। शराब का उद्योग, कैबिनेट का मंत्री हाथ जोड़ के ये टीवी चैनलों के सामने खड़ा था। आप लोगों को याद है, एक साल पहले मैं मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगता हूं, हमारी सरकार अवैध रेत उत्खनन नहीं रोक पाएगी। अरे भैया, अगर अवैध रेत उत्खनन नहीं रोक पाए कुर्सी छोड़ो, खाली करो और सरकार हम दूसरी बना के देंगे। उस सरकार को धूल चटाने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। तो आपके सामने दो विकल्प है। एक विकल्प है उस जोड़ी की जिसने गद्दारी की है, मारा खिलाफी की है मध्य प्रदेश की जनता के साथ, दिग्विजय सिंह की और कमलनाथ जी की जोड़ी, और एक तरफ ये जोड़ी है शिव ज्योति एक्सप्रेस की जोड़ी है मेरे भाई और बहनों। और अभी जो प्रभु राम जी, पटवारी जी, रामपाल सिंह जी, भार्गव साहब कह रहे थे मंच से 400 करोड़ के विकास कार्य, मैं आपको कहता हूं और सिंधिया परिवार की सोच और विचारधारा है कि जान जाए। ये तो मात्र ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। तो अगर आपका विश्वास विकास में है, अगर आपका विश्वास मेरे प्रभु डॉक्टर और राम में है, अगर आपका विश्वास शिवराज सिंह चौहान जी में है, अगर आपका विश्वास ज्योतिरादित्य सिंधिया में है, तो हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर संकल्प लो मेरे साथ कि 3 तारीख को कमर कस के जिन्होंने भ्रष्टाचारी और वादा खिलाफी और गद्दारी मध्य प्रदेश की जनता के साथ कांग्रेस ने की है, मेरी बहनों ऊपर उठा के मुट्ठी बंद करके संकल्प लो
कि उनकी बोरी बिस्तर बांध के मध्य प्रदेश से रवाना करना होगा और प्रभु राम चौधरी जी को आपके सेवक को विधानसभा भेजकर आपके सेवा और विकास का मार्ग प्रशस्त करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी पूर्ण रूप से गुस्सा आकर कांग्रेस को सीख सिखाना उनका भी एक उद्देश्य होगा। खबर समय जगत के लिए सांची से जगदीश महतो की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।